अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसकी सीरीज का हमारा आज तीसरा लेक्चर है। खुश आमदेद कहते हैं आपको हम लोग, हम खुश आमदेद कहते हैं आपको। उम्मीद है कि जो इससे प्रीवियस वीडियोस जो हैं आपको पसंद आई होंगी, और जो इन्फॉर्मेशन हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट के हवाले से आपको दी है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो आज हम बात करेंगे MR3 पर, थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि MR3 बेसिकली क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। चलें शुरू करते हैं आज हम फिर अपना थर्ड MR3। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है इसकी, प्रोडक्शन सैंपल शुड बी सेंड टू कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन के अंदर सैंपल जो बनाया जाएगा वो कस्टमर को भेजा जाएगा, चाहे वो कस्टमर हमारा प्रोडक्शन सैंपल H&M को भेजा जाएगा या कोई भी कस्टमर हो उसको भेजा जाएगा, ताकि वो उसकी तमाम उसको इवेल्यूएट कर ले, उसमें कोई मसले मसाइल है तो वो आपसे डिस्कस कर ले, ताकि वो बल्क प्रोडक्शन के अंदर फिर मसले मसाइल ना हो, हमारे पास काम स्मूथली रन करता रहे। नंबर टू जो है आपका, हाउ टू मेजर शुड बी अंडरस्टूड एंड विजिबल ऑन मेजरमेंट टेबल। हर कस्टमर का मेजरमेंट का स्पेक्स जो है, मेजरमेंट करने का तरीक़ेकार जो है, वर्कर को पता हो और उसका रिक्वायर्ड स्पेक्स जो है मेजरमेंट का, वो उसकी टेबल पे लगा हुआ हो या चस्पा हो, इसकी मदद से वो मेजरमेंट को वेरीफाई करे कि आया अंडर टॉलरेंस है या आउट ऑफ टॉलरेंस है। डिफेक्ट क्लासिफिकेशन शुड बी अंडरस्टूड एंड विजिबल ऑन चेकर्स टेबल। नकाइस जो है उसकी दर्जाबंदी जो है कि मेजर, माइनर और क्रिटिकल डिफेक्ट कौन कौन से हैं, वो भी उसकी टेबल पर चस्पा हो, चेकर के टेबल पे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि ये डिफेक्ट जो है मेजर होगा, ये माइनर होगा। और इसी तरीके से आपके क्वालिटी कंट्रोलर्स को भी पता होना चाहिए कि डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या। सैंपल रिस्पॉन्सिबल शुड भी अवेलेबल, सैंपल का बनाने का जिम्मेदार बंदा मौजूद हो। सैंपल गाइडलाइन बेस्ड ऑन सैंपल टू एज प्रोसेस, सैंपल की गाइडलाइन का तरीक़ेकार मौजूद होनी चाहिए हर सैंपल के ऊपर। और इसी तरीके से जब प्रोडक्शन में वो चीज़ रन कर रही हो तो मॉकअप को वेरीफाई किया जाए और मॉकअप वहाँ पे लगा दिया जाए कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको ये फॉलो करनी है। अब हर मशीन के ऊपर वो मॉकअप्स वगैरह लगे हो। हाउ टू मेजर मॉक शुड बी प्लेस, मेजरमेंट किस तरीके से करनी है, जो मेजरमेंट करने के तरीक़ेकार हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग करके, वो तमाम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो मेजरमेंट करने वालों बंदों को नो हाउ हो कि किस तरीके से हमने मेजरमेंट करनी है। मॉकअप एंड स्पेसिफिकेशन शुड भी अवेलेबल, मॉकअप भी अवेलेबल हो और स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल्ड स्पेसिफिकेशन कस्टमर की क्वालिटी कंट्रोल वाले के पास मौजूद हो जो मेजरमेंट कर रहा है। क्वालिटी ऑलवेज देयर टू कंडक्ट इन प्रोसेस ऑडिट, इन प्रोसेस सिस्टम को इंश्योर करने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट मौजूद हो जो रेगुलर इंटरवल से आगे प्रोसेस कंट्रोल का ऑडिट कर रहा हो कि हमारा माल किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बन रहा है, आया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही, वो इसको इंश्योर करेगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ये हमारी थी MR3, MR3 की रिक्वायरमेंट थी। तो MR की सीरीज़ का ये तीसरा और आखिरी लेक्चर था। पहली इन्फॉर्मेशन भी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पास ऑन हो जाए, अगर वो गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किसी गारमेंट इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, तो ये उनको आगे बहुत के लिए बहुत ज़्यादा कारामद होगी।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।